यूपी में लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी। लॉकडाउन 4 में की रियायतों की घोषणा। 31 मई तक ये काम नहीं कर पाएंगे आप। जाने क्या खुला और क्या रहेगा बंद। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। योगी सरकार ने गाइडलाइंस में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी औद्योगिक गतिविधियां फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के विचार से कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यूपी सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलें। सोशल डिस्टेंसिंग एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने इस बार क्या खोला है और किस पर पाबंदी लगाई है। इन पर हटाई गई पाबंदियां। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगरपालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं, लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति चल सकेंगे। प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति। बारात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। नोएडा गाजियाबाद के NCR क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति। सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेगी। किन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्यों की सहमति के साथ अंतरराज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा योगी सरकार ने गाइडलाइंस में साफ कहा है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों में फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उन दुकानों को फेस मास्क इस्तेमाल करना होगा। मास्क नहीं पहनने वाले खरीदार को सामान नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।